I gave you my heart. हेलो गाइस, आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वेक्टर के अंदर, वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। दो अलग अलग वेक्टर के बारे में हमने पढ़ रखा है, जैसे ए डॉट बी हमने पढ़ रखा था। आज हम बात कर रहे हैं, अगर ए ही कोई वेक्टर है और उसकी उसी के साथ अगर डॉट और क्रॉस की जाए तो कैसे होगी। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं ए कोई वेक्टर है, लेट ए वेक्टर बी एनी वेक्टर। ओके, अब अगर ए वेक्टर कोई वेक्टर है तो वो खुद के साथ कितना एंगल बनाता है? कोई भी लाइन, कोई भी वेक्टर खुद के साथ हमेशा कितना एंगल बनाते हैं? जीरो। तो ऑब्वियस बात है, ए भी खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? जीरो बनाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ए कोई वेक्टर लेके चलता हूँ और मैं अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, यानी मैं अगर फाइंड करता हूँ ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ही, तो फॉर्मूले के हिसाब से तो ये होना चाहिए, पहले का मैग्नीट्यूड इंटू में दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस ऑफ थीटा, की दोनों में एंगल कितना है। तो यहाँ पे ए डॉट ए किसके बराबर आएगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू में दूसरा कौन है? दूसरा भी ए है, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू में क्या आएगा? कोस ऑफ जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या होता है? जीरो डिग्री। और कोस जीरो होता है वन, और मोड की प्रोडक्ट हो जाएगी मोड का स्केयर। यानी अगर ए की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ की जाए तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? मोड ए का स्केयर। यानी अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड का स्केयर हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसकी डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ कर लो, यानी मोड ए स्केयर किसके बराबर भी होता है? ए डॉट ए के इक्वल होता है। वैसे ए वेक्टर का मोड क्या होता है? अंडर रूट में हमें पता है कंपोनेंट का स्केयर करके ऐड करते हैं, तो अगर मोड का स्केयर करेंगे तो अंडर रूट नहीं आएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, ए क्रॉस ए की बात करें, तो इसमें हमें पता है कोस थीटा नहीं आता, इसमें आता है साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह तो अभी भी जीरो है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो मोड ए स्केयर इंटू जीरो इज इक्व टू जीरो। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट खुद की वेक्टर के साथ खुद कितनी होती है? जीरो होती है। अब पॉइंट क्या नोट करने वाला है, अगर हमें ए माइनस बी टाइप का वेक्टर दिया हो उसका मोड निकालना हो, या ए प्लस बी टाइप का कुछ दिया उसका मोड निकालना हो, या मोड का कोई भी क्वेश्चन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? पहले उनका स्केयर निकाल लेंगे। ओके, क्योंकि स्केयर किस में कन्वर्ट करी जा सकती है? डॉट प्रोडक्ट में। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो ए माइनस बी का कुछ कैलकुलेट करना है, ए माइनस बी का मोड टाइप कुछ कैलकुलेट करना है, तो ए माइनस बी का मोड का स्केयर हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, क्योंकि किसी भी वेक्टर के मोड का स्केयर क्या होता है? उसी वेक्टर की उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर ए माइनस बी अकेला मोड तो कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन उसका स्केयर कैलकुलेट किया जा सकता है। स्केयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए माइनस बी की डॉट ही कर देंगे किसके साथ? ए माइनस बी के साथ, क्योंकि वेक्टर की खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मोड के स्केयर के इक्वल होती है, और वहाँ से हम आगे का पोर्शन सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगर वेक्टर की खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट की जाए तो मोड का स्केयर, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की जाए तो आंसर कितना आएगा? जीरो। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं गाइस। प्रोजेक्शन को हम छाया भी बोलते हैं, किसी की छाया किस तरह से बनेगी। हमें एक वेक्टर की छाया फाइंड करनी है दूसरे पे, यानी कि अगर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ए की बी के ऊपर, या बी की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ए के ऊपर, तो नीचे कौन है? अगर मैं बात करता हूँ कि अगर प्रोजेक्शन फाइंड करो ए की बी के ऊपर, तो इसका मतलब ए की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है बी के ऊपर, तो नीचे कौन आएगा? बी आएगा। अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्शन फाइंड करो बी की ए के ऊपर, तो यानी कि नीचे कौन आएगा? ए आएगा। फॉर्मूला सिंपल है, अगर ए की प्रोजेक्शन बी पे फाइंड करनी है तो फॉर्मूला रहेगा, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, नीचे वो आएगा जो नीचे है। अगर ए की बी पे फाइंड कर रहे हैं तो बी नीचे, तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड, और अगर बी की ए पे फाइंड कर रहे हैं तो नीचे क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड, ऊपर ए डॉट बी ही आएगा। तो यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, ये तो तब जब ए ऊपर हो, और बी ओवर ए फाइंड करेंगे तब ए डॉट बी, और नीचे क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड। एक नेक्स्ट टॉपिक जो है हमें करना पड़ेगा वो है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ट्रिपल का मतलब यहाँ पे तीन है, स्केलर का मतलब है जो रिजल्ट आएगा वो आपका बिना वेक्टर का आएगा, यानी फाइनल जो प्रोडक्ट होगी वो डॉट प्रोडक्ट होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास तीन वेक्टर हैं ए बी एंड सी, तो जो प्रोडक्ट है किस तरह की भी, ए की तो बी के साथ क्रॉस करो, फिर जो उनका रिजल्ट आया उसकी डॉट करो किसके साथ? सी के साथ। तो वेक्टर तो तीन है ए बी सी, लेकिन पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में तो क्रॉस पड़ी है, लेकिन उनसे जो उत्तर आया, जो आंसर आया, उसकी फिर से डॉट करो किसके साथ? सी के साथ। तो यानी फाइनल में तो डॉट हो रही है, लास्ट में तो बिल्कुल डॉट हो गई, तो डॉट क्या होती है? स्केलर होती है ना। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, या ए क्रॉस सी डॉट बी, ये सभी सेम होते हैं, बस ब्रैकेट में क्रॉस को रखना है। इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है वो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होती है। ट्रिपल इसलिए क्योंकि इसमें तीन वेक्टर होते हैं, स्केलर इसलिए क्योंकि
फाइनल जो स्टेप करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट का करते हैं, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व। मान लेते हैं ए वेक्टर जो है वो आपका है ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और जो बी वेक्टर है आपका वो है ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के, और जो सी वेक्टर है वो आपका है ए थ्री आई प्लस बी थ्री जे प्लस सी थ्री के। अगर आपको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट डोनेट करने हो तो निकालने हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी ब्रैकेट के अंदर वो बराबर रहता है, डिटर्मिनेट सोल्व कीजिए या बार सोल्व कीजिए जो कि हमने पिछले में भी निकाला था क्रॉस प्रोडक्ट टाइम पे, सेम टू सेम सोल्व करना है। बस क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, जो पहली जो लाइन आती थी उसमें आई जे के आते थे, उसमें आई जे के की बजाय यहाँ पे तीन वेक्टर हैं तो पहली लाइन में तो आएंगे पहले के कोफिशिएंट यानी कि ए वन बी वन सी वन, दूसरे में आएंगे दूसरे के कोफिशिएंट दैट इज ए टू बी टू सी टू, और तीसरे में आएंगे तीसरे के कोफिशिएंट दैट इज ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री। ओके, अगर ए बी और सी कोप्लेनर हैं तो उनका जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है वो कितना होगा, जीरो। बार मेथड बहुत ईजी रहेगा सोल्व करने के लिए, ठीक है, ब्रैकेट मेथड से। ऊपर ब्रैकेट फॉर्मूला भी बताया है पर उससे बार मेथड इजी रहेगा। आप क्या करें, तीनों वेक्टर लिखें पहली लाइन में पहले के कोफिशिएंट, दूसरे में दूसरे के, तीसरे के तीसरी में, और इसे सोल्व करें एज डिटर्मिनेट और इजी रहेगा। अगर तीनों कोप्लेनर हैं तो उनका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, जीरो। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब अगर आपको तीन पॉइंट दिए हों, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे तीन पॉइंट लिए हैं ए बी और सी, यहाँ पे मैंने ए पॉइंट लिया माइनस टू थ्री एंड फाइव, और यहाँ पे बी जो मैंने लिया है वो लिया है वन टू थ्री, एंड सी जो मैंने लिया वो है सेवन जीरो माइनस वन। ये आपको तीन पॉइंट दिए हुए हैं, अगर वो चेक करने को बोलते हैं कि आप चेक करो कोलिनियर है कि नहीं, तो आप इन तीनों पॉइंटों से पहले तीन वेक्टर बनाएंगे। आप ए बी वेक्टर बनाएं, बी सी वेक्टर बनाएं और ए सी वेक्टर बनाएं। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो पॉइंटों से जो वेक्टर बनता है माइनस कर करके वैसे ही बनेगा। ओके, अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब वो एक लाइन में, अगर वो एक लाइन में हैं तो किन्हीं दो का मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए ना। ए बी कितनी लेंथ का है प्लस बी सी कितनी लेंथ का है, वो टोटल लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, ए सी के। पर आपको पहले ए बी की लेंथ यानी ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी की लेंथ यानी बी सी का मैग्नीट्यूड और ए सी की लेंथ यानी ए सी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और उनसे पहले आपको वेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले ए बी बी सी और ए सी ये वेक्टर बना लेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे ए बी का मैग्नीट्यूड बी सी का मैग्नीट्यूड एंड ए सी का मैग्नीट्यूड, और अगर किन्हीं दो मैग्नीट्यूड का जो आंसर है वो तीसरे के इक्वल हुआ तो हम कह देंगे कि वो कोलिनियर होंगे, यहाँ पे ये कोलिनियर होंगे, आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में हम बढ़ते हैं। अब हम कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज स्टडीज़। ओके, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जिसमें से हम सम रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जिसमें से हम पहली प्रॉब्लम कर रहे हैं फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स, ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप यानी वन आई प्लस वन जे माइनस वन के कैप, एंड बी वेक्टर दे रखा है आपको वन आई माइनस वन जे प्लस वन के कैप। सॉल्यूशन कैसे, हमें थीटा एंगल फाइंड करना है। मैंने उस पिछली वीडियोज़ में कहा था कि जब भी एंगल निकालना है तो हम डॉट प्रोडक्ट पर जंप कर जाएंगे जो भी दो वैक्टर दिए हुए हैं उनके। हमें पता है ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू में कोस ऑफ थीटा, राइट। और हमें पता है यहाँ पे जो ए और बी हैं वो गिवन है, तो यहाँ पे हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बी का निकाल लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट में उसके जो कंपोनेंट हैं ए के उनके स्केयर्स लेना है कोफिशेंट का, जैसे आई के साथ कौन है वन तो वन का स्केयर, प्लस जे के साथ कौन है वन वन का स्केयर, के साथ कौन है माइनस वन तो माइनस वन का स्केयर, माइनस वन का स्केयर भी प्लस वन ही हो जाना है, यानी मोड ऑफ ए किसके इक्वल आएगा रूट थ्री के। सिमिलरली बी का भी निकालिए वो भी कितना आएगा रूट थ्री के। और ए डॉट बी अगर हमें दो वेक्टर दिए हों कंपोनेंट फॉर्म में तो हम उनके डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, देखें वो आएगा आई प्लस जे माइनस के इंटू आई माइनस जे प्लस के, तो आई के आई वालों के साथ यानी वन के साथ प्लस में जे की जे वालों के साथ यानी प्लस वन की माइनस वन के साथ तो वो माइनस वन, और के वालों के साथ यानी माइनस वन की वन के साथ तो वो भी माइनस वन। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड की भी वैल्यू है ए डॉट बी की भी वैल्यू है, तो हम ऊपर इक्वेशन नंबर जो वन हमने लिया है उसमें पुट कर देते हैं। जैसे हम पुट करेंगे तो वहाँ से कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड,
तो ए डॉट बी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ -1। नीचे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यू √3 आई है, और √3 की √3 से प्रोडक्ट करें तो आंसर कितना आएगा 3। सो कोस थीटा किसके कुल आ जाएगा -1/3 के, और अगर कोस इस साइड सिंपल है तो उस साइड जाके इनवर्स हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरी साइड जाके इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पे कोस थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स -1/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप + 3j कैप प्लस में 2k कैप, एंड ऑन द वेक्टर जिस वेक्टर पे फाइंड करनी है वो क्या वेक्टर दे रखा है, i प्लस में 2j + k। हमें पता है ए ओवर बी, इसका मतलब तो बी नीचे है। प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं ए ओवर बी की, अभी भी फॉर्मूले पढ़े थे वो फाइंड करते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी मैग्नीट्यूड है ना, जिसके ऊपर फाइंड कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। तो ऊपर ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या, ए की वैल्यू डॉट में बी की वैल्यू, और वो हमें सोल्व करनी आती है। नीचे बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं, वो भी हमें निकालना आता है। तो ऊपर हम ए डॉट बी, ए की वैल्यू क्या थी 2i + 3j + 2k, एंड बी की वैल्यू क्या है i + 2j + k, राइट। एंड नीचे अनरूट में क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड यानी बी के जो कंपोनेंट है उनका स्केयर। सो आई के साथ कौन है, 1, 1 का स्केयर 1 हो गया, 2 का स्केयर 4 हो गया, प्लस में 1 का स्केयर फिर 1 हो गया। ऊपर वाले को आई की आई वालों के साथ, जे की जे वालों के साथ, के की के वालों के साथ प्रोडक्ट सब कुछ सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 10/√6। पर हमें नीचे अनरूट नहीं चाहिए होता, इसलिए हम इसकी रेशनलाइजेशन कर लेंगे और आंसर फाइनल निकाल लेंगे। ओके नेक्स्ट है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है ए का मैग्नीट्यूड इन टू में बी का मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड करोगे तो वो छोटा रहेगा अलग अलग मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट से। सिंपल है, देखो ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, राइट। तो अगर दोनों साइड मोड लगाता हूँ तो इधर भी बन जाएगा ए डॉट बी का मोड, और उधर बन जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मोड तो अलग से अलग ही हो जाएगा, बी का फिर से मोड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। कोस थीटा के ऊपर भी मोड आ जाएगा, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यूज़ कर लूँ, क्योंकि कोस थीटा ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या देता है 1, अदरवाइज वो क्या देता है 1 से कम ही देता है। तो ए डॉट बी ज़्यादा से ज़्यादा किसके बराबर हो सकता है जब कोस थीटा की वैल्यू 1 आ जाए, या वो वैल्यूज़ क्या रहेंगी 1 से छोटी, यानी इधर राइट हैंड साइड वाला रिजल्ट क्या रहेगा। देखो तो यहाँ पे जो कोस थीटा है वो मैक्सिमम वैल्यू जब यूज़ करूँगा 1, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो रहेगी नहीं ना, एक केस में बराबर रहेगी जब कोस थीटा कितना रिजल्ट दे रहा है 1, अदरवाइज क्या रह जाएगी वो छोटी, क्योंकि मैंने कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करी। तो राइट हैंड साइड में तो मैं मैक्सिमम ले गया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले तो राइट हैंड साइड के बराबर थी जब हम कोस थीटा ही लिख रहे थे। लेकिन कोस थीटा क्या हर केस में 1 देता है, नहीं, सिर्फ कौन से केस में 1 देता है, जब वो 0 हो, तो यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू 1 दे सकता है, अदरवाइज ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, छोटी रहेगी या क्या रहेगी, बराबर, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में मैक्सिमम वैल्यू यूज़ कर ली। ये वैसे भी इनक्वालिटीज़ हैं, इनको याद रखना पड़ेगा, जैसे आप ये इनक्वालिटी भी याद रखेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल्स टू होता है दोनों का मोड अलग अलग। जब भी हम मोड अलग अलग करते हैं तो वो चीज़ बड़ी हो जाती है, चाहे इन टू चाहे प्लस है। जैसे ए डॉट बी इकट्ठा मैग्नीट्यूड छोटा हो गया अलग अलग मैग्नीट्यूड करते हैं, इन टू का भी सम में भी ऐसा है, इकट्ठे सम का मैग्नीट्यूड छोटा हो गया अलग अलग मैग्नीट्यूड का सम के, राइट। तो ये इनक्वालिटीज टू बी रिमेम्बर है। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हमें ये दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों की वैल्यूज दे रखी हैं, हमें ये चेक करना है कि क्या ये ए बी सी कोप्लेनर हैं या नहीं है। हमें पता है हम कोप्लेनर कैसे चेक कर देते हैं, अगर 3 वेक्टर दिए हुए हैं अगर वो कोप्लेनर हैं तो उनके ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, राइट। यानी ए बी सी की ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे यानी हेयर अगर हम देखें तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, बार लगाएंगे, बार में पहले के कोफिशियंट जो कि हैं 2, 3, 4, दूसरे के कोफिशियंट जो कि हैं 4, 9, 8, एंड तीसरे के कोफिशियंट जो कि हैं 6, 6 एंड 6, इसको कैलकुलेट करेंगे वही पुराने वाला बार मेथड। पहला पहले एलिमेंट को कवर करेंगे यानी कि 2 को कवर करेंगे, तो 2 बन जाएगा केज मेंबर, इन टू में आएगा 9 × 6 माइनस में 6 × 8, फिर प्लस से शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्या आएगा माइनस, यानी कि जहाँ पे पहले आई जे के थे ना वहाँ पे आई की वैल्यू दे रखी है 2, आई की जगह दे रखा है 2, जे की जगह दे रखा है 3 और के की जगह दे रखा है 4। तो बाकी सब सेम है जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, बस वहाँ पे आई जे और के नहीं आएगा, उनकी जगह पहले के कोफिशेंट आएंगे, बाकी सब वैसे ही सोल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे फाइनल। जिसका आंसर 0 के बराबर नहीं आया तो ये वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं हैं। ओके आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अंडरस्टूड दीज ओल्ड टॉपिक्स। इफ़ यू डू सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।
फिर मिलेंगे कभी ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो। Take care of my heart.